Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th or financial accounting. And the chapter is accounting procedures, that is rules of debit and credit. And we are doing multiple choice questions. In this chapter, we are doing objective type questions is the concept, and the multiple choice questions is the answer base, or answer one hai, or correct alternative selected. Question mein de rakha hai, select the correct alternative. Hum likhenge correct alternative selected. Main aapko question karane ke saath saath answer bataunga aur answer ka reason bhi bataunga. So first question, debit means, डेबिट क्या होता है? चार अल्टरनेटिव दे रखा है, इससे बेस्ट अल्टरनेटिव आपको ढूंढना है. डेबिट का मतलब होता है एन इंक्रीज इन एसेट. अगर एसेट बढ़ेगा, एन इंक्रीज इन एसेट इज कॉल्ड डेबिट. इसमें फर्स्ट होता है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट. डेबिट मीन्स एन इंक्रीज इन एसेट. नीचे अल्टरनेटिव दे रखा है, आपको एक ही अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो ए पार्ट इज द आंसर. सेकेंड होता है क्रेडिट मीन्स. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है चार अल्टरनेटिव में बी वन, एन इंक्रीज इन लायबिलिटी. अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है. ये चारों अल्टरनेटिव को लेकर होता है. अगर उधारी बढ़ेगा, मॉडर्न रूल क्या बताता है, उधारी बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे. एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज इन एन एसेट मीन्स डेबिट है. डेबिट इंक्रीज इन एसेट एंड क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी. वो मॉडर्न रूल के प्रिंसिपल चल रहा है. थर्ड वन होता है सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू. सेल ऑफ गुड्स टू राम, तो राम कैश आया और सेल्स बढ़ा. मॉडर्न रूल के हिसाब से इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. तो क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स टू राम इज डेबिटेड टू, सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज डेबिटेड टू व्हाट अकाउंट. कैश बढ़ रहा है, कैश एक एसेट है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट होता है. तो दैट इज बी पार्ट इज द आंसर. बी पार्ट इज द आंसर. तो इज डेबिटेड टू, कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. देन फोर्थ क्वेश्चन, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू. विड्रॉल ऑफ कैश, कैश निकाल लिया तो बिजनेस का एसेट घट गया. विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर इज क्रेडिटेड टू. डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, इज क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट. एंड हियर द आंसर इज सी पार्ट. सी पार्ट इज करेक्ट, कैश अकाउंट. ए क्रेडिटेड टू कैश अकाउंट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. देन फिफ्थ वन क्वेश्चन है बैंक अकाउंट इज ए, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बैंक अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट. ये जो नीचे चार दे रखा है, ये चारों से कोई एक ही होगा, बट इट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो बैंक के जी बैंक का लाइफ नहीं है, तो पर्सन कैसे बन गया? आर्टिफिशियल पर्सन, क्रिएटेड बाय लॉ, लीगल पर्सन. तो जो बैंक कीजिए पर्सनल अकाउंट. इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, ड्राइंग अकाउंट इज ए, ड्राइंग अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट. क्योंकि ओनर ड्रॉ करता है ना, तो इस चारों ऑप्शन से ऑप्शन ए इज करेक्ट. इट इज ए पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, पैसे निकाल लिया. ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओनर पैसे निकाल लिया बिजनेस से अपना प्राइवेट खर्चा के लिए. तो ड्रॉइंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों पर्सनल अकाउंट होता है. देन गुडविल अकाउंट इज ए, गुडविल कौन सा अकाउंट है? गुडविल इज ए रियल अकाउंट. हम गुडविल को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इट इज ए इंटेंजिबल अकाउंट. दिस इज ए रियल अकाउंट, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते हैं, बट गुडविल एक एसेट के तरह ट्रीट होता है. हम पैसे देके खरीदते हैं, इट हैज़ ए मनी वैल्यू और इट इज टैंजिबल एसेट्स के अंदर आता है इंटेंजिबल एसेट.
टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, इट इज इंटेंजिबल रियल अकाउंट। देन नेक्स्ट होता है आपके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, जो नीचे जो चार ऑप्शन दे रखा है इससे कौन सा अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट नहीं होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अलाउड इज ए डेबिट बैलेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड इज ए डेबिट बैलेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ए क्रेडिट बैलेंस। कमाई, एनी कमाई, एनी इनकम इज ए क्रेडिट बैलेंस। देन नेक्स्ट वन होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन एज, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो जैसे हमारा बिजनेस का क्लोजर के टाइम पे जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो कंट्रीब्यूशन बाय द ओनर उसका बैलेंस को, बैलेंस के लिए चारों अल्टरनेटिव से कौन सा करेक्ट है। हियर ए पार्ट इज करेक्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन एज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जितना बैलेंस बच गया उसको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के तरह दिखाते हैं। और ये हो गया आपके नाइन्थ वन। टेंथ क्वेश्चन इज सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज ए, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट कौन से अकाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट ये चारों अल्टरनेटिव से कौन सा अकाउंट है, इसके लिए कौन सा करेक्ट है फॉर्म। इट इज ए लायबिलिटी अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज ए लायबिलिटी अकाउंट। क्रेडिटर का मतलब उधारी, हमने जिससे उधार पे गुड्स लेते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कि जो सपोज हम किसी से मशीन उधार लिया हमारा फैक्ट्री में लगाने के लिए, तो मशीन जो उधार लिया मशीन इज ए एसेट, तो हमने एसेट लिया और जिससे लिया ही इज ए सप्लायर ऑफ मशीनरी, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर नहीं होगा, वो होगा क्रेडिटर फॉर एसेट। और जो हमें जो गुड्स में डील कर रहे हैं, सपोज हम मतलब आयरन ओर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आयरन ओर खरीदते हैं उसको, उससे फाइन्स निकलता है और वो उसको बेचते हैं, तो उसको जो सप्लाई देता है हमारा ट्रेडिंग गुड्स का वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, और ये थर्ड टाइप का क्रेडिटर हो गया। तो नाउ कम डाउन टू इलेवेंथ, सेल्स अकाउंट इज ए, सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट का नेचर क्या होता है। सेल्स अकाउंट इज ए, ये चारों अल्टरनेटिव से रेवेन्यू अकाउंट, सेल और रेवेन्यू, सेल करेंगे तो हमारा रेवेन्यू यानी कमाई होगा, तो सेल अकाउंट इज ए रेवेन्यू अकाउंट। देन ट्वेल्थ सैलरीज अकाउंट, हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरीज अकाउंट इज एन एक्सपेंडिचर अकाउंट या अन एक्सपेंस अकाउंट, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सैलरीज अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। देन थर्टींथ कैपिटल अकाउंट इज ए, यहाँ पे देखो ऊपर भी कैपिटल अकाउंट था लास्ट पेज में, यहाँ पे भी पूछा है कैपिटल अकाउंट, बट ये चारों अल्टरनेटिव से आप कोई एक ही अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, दैट इज लाइक नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इंसान एक भगवान का दिया हुआ बनाया हुआ पर्सन है, तो नेचुरली बॉर्न, नेचुरल बैंक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ध्यान से याद करो, ये लाइफ में बहुत काम में आने वाला है। देन अन इंक्रीज इन एसेट, एसेट अन इंक्रीज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, जो नीचे जितने चीज़ें दे रखा है इसे कौन सा अकाउंट बढ़ने पर एक लेजर के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, तो दैट इज ये चारों अल्टरनेटिव से बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट होता है। अगर बिल्डिंग अकाउंट बढ़ता है, अगर एन इंक्रीज इन बिल्डिंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। एसेट बढ़ा तो डेबिट साइड, बिल्डिंग एक एसेट है, लैंड एक एसेट है, बुक्स आर असेट्स, कंप्यूटर आर असेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट असेट्स, मशीन्स असेट, बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, घटता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। देन फिफ्टींथ आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा क्या होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अगर सैलरी पे करते हो ड्यू डेट में तो सैलरी अकाउंट डेबिट होता है, और सैलरी अकाउंट इज ए एक्सपेंस अकाउंट होता है।
बट जब उसको नेक्स्ट डे पे करोगे आफ्टर द ड्यू डेट, 31 तारीख को दिया देना था, हम 30 को नहीं दे पाए अप्रैल 30 को, तो May 1 को या May 10 को पे करेंगे, वी विल बी पेइंग टू द पर्सन दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों पर्सनल अकाउंट होता है, ध्यान से याद रखना है। देन नेक्स्ट वन इज दिस इज द लास्ट वन, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट किसको रिलेट करता है, वी नो बाय नेम ओनली, उनका कोई आकृति या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नो फिजिकल अपीयरेंस उसका होता नहीं है, और वो वी कैन जस्ट फील, जैसे रेंट पे कर रहे हैं हम तो कैश या चेक पे कर रहे हैं, बट बोर्ड ले रेंट पे कर रहे हैं, रेंट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या, रेंट को हम देख सकते हैं, ये ब्लैक है, व्हाइट है, रेड है, येलो है, हम सोचते हैं कि किसी के घर हम दुकान के लिए ले रखें, उनको रेंट पे कर रहे हैं, जो पे कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं कैश या चेक, बट जो रेंट है रेंट का हैज नो एग्जिस्टेंस। तो नॉमिनल अकाउंट्स आर एक्सपेंस, अकाउंट्स आर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज रेवेन्यू अकाउंट, एंड डिस्काउंट अलाउड दैट इज एक्सपेंस अकाउंट, जैसे कमीशन रिसीवेबल रिसीव्ड रेवेन्यू, कमीशन पेड एक्सपेंसेस, हम देते भी है लेते भी है, ये खाली इनकम और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लेकर होता है नॉमिनल अकाउंट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको मैंने अपने तरफ से अच्छी तरह पढ़ाया, तो अगर आपको अच्छा समझ में आया तो मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए।